कैसा लगा जलंधर में आके? बहुत अच्छा लगा, फुल एंटरटेनमेंट, बहुत एंटरटेनमेंट, फैमिली के साथ आए हैं, अच्छा प्रोडक्शन भी है, अच्छा सेफ भी है, पानी साफ है, आप लोग अच्छा है, तो सब मजे कर रहे हैं, तो बोलो थैंक यू जलंधर, चिकने चमेली, चिकनी चमेली पे नाचे मैडम, एंजॉय कर देखिए मैडम, नागिन भी क्या बात है सर, चलिए सर, सर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, चलिए आप लोगों को अल्लाह हर वक्त हर वक्त खुश रखे, मैडम इधर आइए, फुल एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो आप सीधे चले आइए जल विहार, चले आइए जल विहार में, आपको यहाँ पर वेलकम, कूल कूल ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा, ऐसा लगा जल विहार में, इंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फुल तीर रहे हैं नहीं तीर रहे हैं, बार बार आना क्या नहीं आना है, लीजिए बार बार आना है, एंटरटेनमेंट करना है तो हाय हेलो नमस्ते, मैं जफर खान जेड नाउ और HSN न्यूज में आपका इस्तेमाल करता हूँ, आपके लिए लेकर आया हूँ इस समर में, इस तड़पती तड़पती एकदम गर्मा रही धूप में आप इस विकट में क्या कर रहे हैं, कहीं जाने का सोच रहे हैं, आपके बच्चों को लेकर आपकी फैमिली को लेकर जाने का सोच रहे हैं तो सोचिए मत, बस चले उठे आइए, सीधा आ जाइए जल्दी हार वाटर वाइप्स, जहाँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फुल सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजाम किया गया एंटरटेनमेंट के लिए, जो नेकलेस रोड हैदराबाद पर मौजूद है, कई सालों से आवाम यहां पर आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं, लोग एंटरटेनमेंट के लिए यहां पर आते हैं, शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों से लोग यहां आते हैं, फुल एंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आइए आप भी इस तड़पती और तपतपाती धूप में यहां वहां घूमने से बेहतर है सीधे चले आइए पानी में, यहां पर आपको लेडीज़ के लिए फैमिली के लिए बिल्कुल अलग है और कमांड भी है अलग अलग वाइब से और रनिंग डांस रनिंग भी है, और आपको बता दूं यहां आने से पहले आपको यहां पर ये हुजूम जो देखा है टिकट का है, ये टिकट का काउंटर यहाँ पर रखा गया है जहाँ आपको बड़े लोगों के लिए यानी कि अडल्ट्स के लिए यहाँ पर 450 रुपये है, 550 रुपीस है, और छोटे यानी अबव 3 फीट यानी कि 3 फीट के ऊपर होते हैं तो वो लोग को 550 लगते हैं, जो 3 फीट के अंदर है वो लोगों को 450 रुपये का यहाँ पर है पर पर्सन टिकट, यहाँ पर आपको सुबह 11 बजे से शुरू हो जाता है शाम के 6 बजे तक यहाँ पर ये चलता है, ये यहाँ पर बाहर के अपडेट्स है, अब आइए अंदर चलते हैं, आपको चेकिंग कराना है, चेकिंग कराते हुए आपको सीधा वहाँ पर काउंटर पर जाना है, आपको फिर आपको तो लीजिए हम जल विहार के इस काउंटर पर जहाँ आपको यहाँ पर आपकी टिकट की स्कैन की जाएगी और आपको अंदर एंट्री मिलेगी, अब कुछ लोग यहाँ पर आएंगे हम बताते हैं आपको, प्लीज़ सर आइए, कुछ लोग आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से आपको टिकट यहाँ पर देना होता है, आगे आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा प्लीज आगे, चलिए सर अंदर चलिए सर, ये देखिए सबकी टिकट यहाँ पर स्कैन की जाती है, फिर उसके बाद आपके हाथ में दे देंगे, फिर आप अंदर जाते हैं तो आपको आपके आपको हाथ को जो बैंड कर देंगे, आपके आपको हाथ को लगा देते हैं वो, ये देखिए छोटे हो या बड़े हो सबके लिए पर यहाँ पर टिकट ली जाती है, टिकट लेकर वही अंदर आते हैं, तो ये देखिए आपको दिख रहा है पूरा जल विहार, लोग यहाँ पर पानी में खूब एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है सबको, पूरी फैमिलीज यहाँ पर आए हैं, एक से एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, फैमिली के अलावा अलग अलग अपने दोस्त अहबाब सब मिलकर भी यहाँ पर आए हैं, दोस्त दोस्त आते हैं, भाई भाई पूरी फैमिली यहाँ पर आते हैं, लोग एंटरटेनमेंट करते हैं एंजॉय करते हैं, तो ये जल विहार का एक छोटा सा हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं, हम अंदर भी जाएंगे और फुल आपको एंटरटेनमेंट के जो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर आने के लिए आने के बाद जो यूज़ करना है वो सब चीज़ें हम आपको बताते हैं, आइए कुछ लोग यहाँ पर आए भी हैं और वापस जा रहे भी हैं, ये फुल एंटरटेनमेंट करके यहाँ से जा रहे हैं, सर आप कहाँ से हैं? कर्नाटक से। कैसा लगा आपको जल विहार में? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी जी जी। हाँ तो यहाँ का नज़ारा भी अच्छा है, एकदम भारी है, और यहाँ पे फैमिली के साथ कपल के साथ जी गर्लफ्रेंड कोई भी आ सकते हैं, एंजॉय फुल एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे जी, हम भी कर्नाटक से जी जी। कैसा लगा जल विहार? बहुत अच्छा लगा, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बिहार से कैसा लगा जल विहार? बहुत अच्छा लगा। जल विहार के मार्केटिंग मैनेजर श्री श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। सर अभी जो 2024 का जल विहार ओपन हो चुका है, फुल पब्लिक है, लोग आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो क्या अपडेट्स रखे हैं, क्या टिकट्स का प्राइस है, लोगों को फिर इनसे कन्फर्म करना चाहते हैं आपके जरिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए वेलकम है जल विहार में। ओके सर। हाँ दिस इज द सीजन, आप सब आके इधर एंजॉय करिएगा, ये समर वेकेशन टाइम है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इधर इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट से आप देखो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, हर बच्चे से लेके बड़े तक सब इधर आ रहे हैं, आप लोग के भी वेलकम है, इधर इधर आके आप एंजॉय करिएगा, एंड वी आर हम सबसे सस्ते में है, वी आर एट द वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस है, इधर आके आप एंजॉय कर सकते हैं दिन भर। प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इधर से पूरा दिन भर वाटर राइड्स फ्री खेल सकते हैं सबके लिए, यू हैव वेव पूल, रेन डांस और सिंगल ट्यूब राइड्स, डबल ट्यूब राइड्स, मैट राइड्स, वो सब है इधर, लेडीज एंड किड्स के लिए भी एक पूल है इधर,
दे हैव अ सेपरेट पूल फॉर देम, प्राइवेसी है इधर, पूरी सिक्योरिटी पे है सर यहाँ पर फैमिली और बच्चों के लिए, वो इंतजाम करा है हम लोग, बहुत सारी लाइफ गार्ड्स है और सिक्योरिटी भी है साथ में, वो सब देखभाल करने के लिए है एंड यू आर ऑल सिक्योर्ड हियर। आप लोग सब इधर आके एंजॉय कर सकते दिन भर। टाइमिंग क्या रहेगी सर इसकी? 11 से लेके 7 बजे तक है, दिन भर एंजॉय कर सकते हैं। यू आर ऑल वेलकम हियर एट जल विहार। आप लोग आइएगा, एंजॉय करिएगा एंड लेट सबके लिए आप पहुंचा दिए ये मैसेज, ताकि सब लोग इधर आके एंजॉय कर सकते पूरा दिन भर। थैंक यू, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर ने भी जो बताया है अपडेट्स को आप गौर से सुना होगा तो उसको सेव कर लीजिए। ये देखिए आज संडे है, संडे होने की वजह से भी यहाँ पर पब्लिक बहुत है, फुल क्राउड है। अभी तकरीबन 3:30-4:15 हो चुके हैं, फिर भी लोग यहाँ पर और आ रहे ही हैं। आप तो सुन ही लिया आप लोगों ने टाइमिंग यहाँ पर क्या है, 11 से 7 बजे तक की टाइमिंग है, लेकिन अभी भी लोग आना चाहते हैं क्योंकि बाहर जो गर्मी है, बाहर जो धूप है, बाहर जो टेम्परेचर है उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आप जलविहार आएंगे तो आप अपने आप को अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही आप आनंद लेंगे, बहुत ही मज़े लेंगे, क्योंकि ये जो पानी है ना यहाँ पर, जो साफ़ सुथरा पानी है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, बच्चों बड़े भी सब यहाँ पर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, फैमिली भी है, फुल अपनी मस्त मगन में एंजॉय कर रहे हैं। ये लीजिए सर, कहाँ से आए हैं आप, कैसा लग रहा है आपको जलविहार में आके? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए सर, कहाँ से आए सर, आइए मैडम। मैं तो वाइजाग से हूँ, मैं हैदराबाद में रह रही हूँ। अच्छा, कैसा लगा आपको जलविहार में आके? अच्छा तो लग रही। अच्छा, कब आया, पहली बार आया, पहले भी कभी आया? पहले भी आई थी, पहले भी आई थी। अभी टेम्परेचर से डर के आए हैं या जलविहार में आना है बोल के आए हैं? जैसा है नहीं, मतलब टेम्परेचर भी है जी जी, इसलिए वो अभी वो इतना पानी है वो भी गर्म हो गई। अच्छा, स्विमिंग पूल में कितना पानी जी जी, स्विमिंग पूल में कितना पानी है वो भी पूरा गर्म हो। भाई आप कहाँ से हैं? आप भी मस्त पूरा एकदम एंटरटेनमेंट करके ठहरे हैं, कहाँ से आप? निजामबाद से। कैसा लगा जलविहार में आके? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किया आपने यहाँ पर? स्विमिंग किया बस, और एंजॉय किया बस, फुल एंटरटेनमेंट फैमिली के साथ अकेले। अरे यार अकेले तो ना अच्छा नहीं लगता जगह पर। जलविहार में मैंने बहुत बार आया और बहुत बार यहाँ पर हम यहाँ की अपडेट हमने आपको बताई, लेकिन इस बार 2024 का जलविहार आपके लिए बहुत ही अलग और एकदम अलहदा है। ये देखिए यहाँ पर क्रिकेट के लिए, यानी कि क्रिकेट के शौकीन के लिए, मैच खेलने के लिए, जो भी होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं खेलने वाले लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक अच्छा सा प्लेस बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन रखा गया है, जिसको कुछ टाइम दिया जा रहा है और उसके लिए सिर्फ 4 ओवर्स, ऐसे कुछ तरह से उसके रूल्स हैं। वो लोग खेल रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो यहाँ पर अभी इस वक्त नहा धोकर तैयार होकर यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर यहाँ पर नहा धोकर वो तैयार हो चुके हैं और फुल यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। शायद ठंडे हो गए लोग, इतने जल्दी ठंडे हो गए। चलिए आप कहाँ से? मैं टोलीचौकी, टोलीचौकी गोलकुंडा किला। जलविहार लाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा दिखा भाई, बहुत अच्छा दिखा, बहुत एंजॉय हुआ। अच्छा, क्या क्या करे जलविहार में? हम लोग यहाँ पे मजे करे, एंजॉय करे और रेंडास पे बहुत एंजॉय हुआ जी जी। अभी यहाँ पे फिर ये जो थे स्लाइड्स वगैरह बहुत एंजॉय हुआ। अच्छा, आप बताइए, आप बहुत बेचैन दिख रहे बताने के लिए, कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त प्लेस है, आप लोग भी आओ जलविहार को एंजॉय करो, बहुत बेस्ट जगह है जी जी। मूवमेंट और फैमिली के वास्ते बहुत जबरदस्त जगह है ये, एंजॉयमेंट तो सीखा पुकारे क्या मजा आ जा रहा है। गरम 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 इस मौसम में ठंडा ठंडा पानी लोग नहा रहे इधर। अच्छा, చెప్తున్నాను ఎంత ఉంది బొక్కలా ఉంది ఐ ఎట్లా చెప్తున్నారు జల్వియార్ ఆహా మజా ఆనా ఘుమ్నా ఫిర్నా ఐష్ కర్నా పైసా భీ కమ్ హై బహుత్ జబర్దస్త్ మజా జల్వియార్ పార్క్ మే मगर आप जो अंदाज से बोले ना वो बहुत मजा आया आप लोगों को, दोस्त मजा आया। आप कुछ बोलना चाह रहे मैडम? आइए आइए आइए, चलिए आइए, कोई बात नहीं है। लोग कुछ आ रहे भी है, कुछ भाग रहे भी है, आइए कुछ फैमिली आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रही है जी जी जी। कहाँ से आ रहे साहब? हम आदिलाबाद तेलंगाना। कैसा लगा जलविहार? मालूम कैसा आपको जलविहार में इतना मजा मिल रहा है? नहीं नहीं, हमको पहले से मालूम था, इसके पहले भी आके गए वाले हैं। कितनी बार आ चुके हैं सर आप लोग? अभी 4-5 बार हो चुका है। 4-5 बार आ चुके हैं। मैडम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको, बस एक ही है रिक्वेस्ट के थोड़ा पानी साफ सुथरा रखो। वो तो है ना, पब्लिक देख रहे ना कैसी है? पब्लिक तो बहुत है, कल आइए, कल फ्रेश हो जाता फिर आपको। ओके, आज पब्लिक देख रहे ना कैसी है माशाल्लाह, तो वो हिसाब से आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। वो तो हम कर ही रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ वेरी गुड। एंजॉय कर रहे हैं मैडम, क्या मैडम, मगर एंजॉय तो करे ना, वही पानी में करे ना, वही पानी में करे, होता रहता चलता रहता। मैडम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करे, एंजॉय करे। चलिए मैडम आप बोलिए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन रेन डांस में ज्यादा मजा आई। क्या डांस पर आप?
डांस किए अच्छा चिकनी चिकनी चमेली पे नाचे मैडम एंजॉय करी देखिए मैडम नागिन भी देखिए नागिन डांस नागिन डांस इज फेवरेट अच्छा नागिन डांस फेवरेट था एग्जांपल देते आइए सर दीजिए 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 क्या बात है सर चलिए सर सर आप लोग हस्बैंड वाइफ है चलिए आप लोगों को अल्लाह हर वक्त खुश रखे मेडे में आइए बहुत अच्छी जोड़ी है ये हमेशा खुश रहे जिस तरह यहाँ पर खुश रहे ऐसे इंटरटेनमेंट करते रहिए एंजॉय करते रहिए जल विहार आते रहेंगे ऐसे जोड़ियां बनते रहेंगे ऐसे रिश्ते आपको मिलते रहेंगे आप ऐसे मजबूत होते रहेंगे तो देखिए जल विहार आने का एक फायदा भी है लोग बिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं यहाँ पर और इंटरटेनमेंट भी हो जाता है जैसा कि आप अभी आप देख रहे हैं अभी आप देख चुके हैं ये देखिए आप ये जो भरा हुआ वेब्स है वेब बिल्कुल एकदम भरा हुआ है इसके बाजू ही आपको पीछे बिल्कुल जो है ना ऊपर वहाँ पर जो खाली जगह बिखरी है वो आपको मिलेगी मैडम सॉरी वो आपको मिलेगा रेन डांस की जगह है वो थोड़ी यानी कि हर एक आधा घंटा घंटे के बाद रेन डांस शुरू हो जाता है ये देखिए अब ये कंबाइंड है ये फैमिली भी होती है इसमें जेंट्स सब पूरे होते हैं यहाँ पर बच्चे बड़े सब अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से लोग यहाँ पर आते हैं इंजॉय करते हैं इंटरटेनमेंट करते हैं और ये आइए सर 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 आप कहाँ से आए कैसे लग रहा है आपको यहाँ पर अच्छा दिख रहा है मजा कर रहे हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं कहाँ से आप नांदेड़ से है कैसा पता चला जल विहार का आपको दोस्तों के बारे में दोस्तों से पता चला फुल मजा आया नहीं आ जाओ बोल के आपको भी बुला लिए एंजॉय कर रहे हैं आप तो चलिए एंजॉय करिए तो हम एंजॉय आपको रोकना नहीं चाहते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं वैसा तो जल विहार आपको बोलने की जरूरत नहीं है हैदराबाद में मशहूर है एकदम हर कोई जानता है हैदराबाद तो हैदराबाद आप सुन रहे हैं लोग कहाँ कहाँ से आए हैं कनाडा से आए हैं जल विहार को आने के लोग नांदेड़ से आए हैं विकाराबाद से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर फुल एंटरटेनमेंट कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं टेम्परेचर आपको बताओ सुबह से तकरीबन 45 तक था अभी जो है वो 41 ऐसा आ चुका है और इतना जो गर्म है इसीलिए लोग यहाँ पर है आज संडे भी है तो यहाँ पर एकदम हॉट होकर जो आए हैं वो यहाँ पर ठंडे ठंडे कूल कूल है देखिए ये जो लड़कियाँ कहाँ से आए आप लोग पूरे हैदराबाद कहाँ से इलाका कौन सा एरिया बल्लागुड़ा चिंतल आप चिंतल मैडम आप बल्लागुड़ा के पूरे क्या बात है बल्लागुड़ा आप कहाँ से बैठे बल्ला लेला से ये भी चलिए कोई बात नहीं कैसा लगा जल विहार में आके बहुत अच्छा लगा फुल इंटरटेनमेंट फैमिली के साथ आए हैं अच्छा प्रोडक्शन भी है अच्छा सेफ भी है पानी साफ है आप लोग भी अच्छा है तो सब मजे कर रहे हैं तो बोलो थैंक यू जल विहार चलिए बहुत मजा आ रहा है लोगों को एंजॉय कर रहे हैं तो ये देखिए ये स्लाइडिंग एरिया है ये स्लाइडिंग एरिया है यहाँ पे स्लाइडिंग होती है ये देखिए कैसा लोग यहाँ पर आ रहे हैं ऊपर से एकदम सेफली आते हैं जो लोग जिगर रखते हैं वो इस तरह का काम करते हैं तो ये देखिए तमाम जिगर वाले यहाँ पर आते हैं सब इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और चलिए तो ये देखिए ये है स्लाइडिंग एरिया लोग यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं दूर दूर से आ रहे हैं लेके लोग हाथ भी बता रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं हमको ले लीजिए हम सबको लेने आए हैं सबको दिखा रहे हैं सब अरे देखो लो पानी में फुल एंटरटेनमेंट हो रहा है यहाँ पर तो आज का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर पब्लिक भी बहुत है यहाँ पर अभी 4 बज चुके हैं 41 पर आ चुका है टेम्परेचर लोग फिर भी यहाँ से जाना नहीं चाहते क्योंकि बाहर जो हार्ड है जो गर्मी है जो आपको धूप लग रही है जो आपको लू लग रही है उससे लोग बचकर कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ जल विहार में ही रहना चाहते हैं इस पानी में रहना चाहते हैं जल विहार का मजा लेना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह के प्रोग्राम इसी तरह के एंटरटेनमेंट इसी तरह का फुल एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो आप सीधे चले आइए जल विहार चले आइए जल विहार में आपको यहाँ पर वेलकम कूल ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा और एक बार इस टेम्परेचर में शायद आपका मोबाइल भी हैंग हो सकता है गर्म हो सकता है क्योंकि मेरा 2 बार मोबाइल गर्म होकर रुक चुका था तो मैंने अपने फोन का मोबाइल कवर से निकाल दिया है तो आप लोग कभी भी ऐसा होता है आपका मोबाइल तो आपके फोन को कवर से निकाल दीजिए और थोड़ी देर उसको रुक जाइए थोड़ा इत्मीनान से थोड़ा सबर करिए फिर आपका फोन आपको चलने लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के हिसाब से फोन गर्म होने लगे हैं तो इसके लिए आपको मैं बात बता रहा हूँ तो अभी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर फैमिली का जो स्विमिंग पूल है जो वेब्स है वो आपको बता रहे हैं ये फैमिली का है बिल्कुल यहाँ पर फैमिली रहती है सब एंटरटेनमेंट करते हैं बच्चे बूढ़े बड़े तो मैं एक बार फिर आपको बता दूँ कि आप लोग जब यहाँ पर आए तो अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें आपके बच्चों के साथ साथ आपका भी ख्याल रखें क्योंकि यहाँ पर पानी में हर कोई डूबना चाहता है कि गर्मी इतनी है हम भी थोड़ी देर पानी में डूब जाएंगे तो हम भी शायद
थोड़ा सा कूल हो जाएंगे, तो ऐसा तो जरूर है। लेकिन ख्याल जरूर रखिए, आपका, अपने बच्चों का, आप सभी का जरूर ख्याल रखिए। ये देखिए कुछ बोलना चाहते हैं मैडम, एंजॉय, फुल एंजॉय कर रहे हैं मैडम, फुल एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से मैडम आप? हैदराबाद से। क्या फैमिली है? फ्रेंड्स है। कैसा लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा, सबको आना चाहिए। सर आप कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा एंजॉय कर रहे हैं। सर आप लोग कहाँ से? हैदराबाद से। सर कैसा लग रहा है जल्दी? बहुत मजा आ रहा है, बेहतरीन जगह है, रामबल्ली। चलिए हमको बहुत मजा आया आप सबसे बात करके। ये देखिए बच्चे भी बहुत बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। इधर आओ बेटा, कैसा लगा जल्दी? और एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? फुल तीर रहे हैं नहीं तीर रहे हैं? बार बार आना है नहीं आना है? लीजिए, बार बार आना है, एंटरटेनमेंट करना है। तो इसी तरह के प्रोग्राम हाइट न्यूज के लिए जेड नाउ टीवी और HSN को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ मेरे सीनियर रिपोर्टर इलियास, मैं आपका दोस्त होस्ट जफर खान, देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।